लाए अग साडे सीने च जित ले ओ बाजी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चल रहे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की पारी समाप्त हो गई है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 243 रन बनाने में कामयाब हुई है। न्यूजीलैंड के शानदार गेंदबाजी के सामने अगर ऑस्ट्रेलिया 243 रन तक पहुंच पाई है तो उसमें सबसे बड़ा श्रेय उसका जाता है एलेक्स कैरी और उस्मान ख्वाजा को। इन दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली है। उस्मान ख्वाजा ने 88 और एलेक्स कैरी ने 71 रन बनाए हैं। इन दोनों की बल्लेबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में कामयाब हुई है। वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से शानदार गेंदबाजी की है ट्रेंट बोल्ट ने। इस वर्ल्ड कप में थोड़े से फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे थे लेकिन उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए ना सिर्फ 4 विकेट लिए बल्कि हैट्रिक भी की और ये इस वर्ल्ड कप का दूसरा हैट्रिक है। आपको बता दें कि इससे पहले मोहम्मद शमी ने अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में हैट्रिक हासिल की थी, वो इस वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज न्यूजीलैंड में के मुकाबले के दौरान ट्रेंट बोल्ट ने जो है हैट्रिक लेकर इस वर्ल्ड कप की दूसरी हैट्रिक हासिल की है। उनके अलावा फर्ग्यूसन ने 2 विकेट हासिल किए हैं, निसाम ने 2 विकेट हासिल किए और केन विलियमसन को जो है आज पार्ट टाइम बॉलर के तौर पर उन्होंने गेंदबाजी की, उन्हें एक सफलता हासिल हुई है। न्यूजीलैंड के शानदार गेंदबाजों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया टीम एक बड़े स्कोर तक पहुंचने में नाकाम रही। और सबसे बड़ी बात यह कि जो उनके टीम के ओपनर जो इस वर्ल्ड कप में अब तक शानदार प्रदर्शन करते आ रहे थे एरॉन फिंच और डेविड वार्नर, वो आज के मुकाबले में बहुत सस्ते में गए और शायद एक यही वजह कि अमूमन 300 के स्कोर तक पहुंचने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम आज 250 रन भी नहीं बना पाई। तो ये फिलहाल न्यूजीलैंड की शानदार गेंदबाजी का नतीजा रहा है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी इस बड़ी खबर में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं, साथ ही इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बुलंद हौसला है अग साडे सीने च जित ले ओ बाजी।